पर फिर भी जिम जिम होता है, तो आज बहुत टाइम के बाद जब जिम खुला है तो डेफिनेटली वी आर फीलिंग अ लॉट बेटर। आज से मतलब कि 2 दिन बाद 6 महीने हो जाने थे, तो 16 मार्च को हमारे जिम बंद हुए थे और ये हमारे लिए खुशी का टाइम भी है और एक तरीके से पहले हमें थोड़ा ही दुख था कि हमारे जिम बंद है, लेकिन हमें जिम का किराया भी देना पड़ रहा था, सारा सब कुछ था। और अभी हमारे लिए एक सर्वाइवल टाइम है क्योंकि कस्टमर्स अभी भी थोड़े डरे हुए हैं, क्लाइंट्स थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने पूरे प्रिकॉशंस के साथ में जिमों को हमने खोला है और ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें ताकि जो ये पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, इसके चलते जो है हम अपनी तरफ से थोड़ा सा सावधानी बरतें। वर्कआउट करते रहते हैं तो एक एनर्जी आती रहती है, बूस्ट आता रहता है बॉडी में। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी टाइम बाद जिम को खोला गया है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ सरकार ने अलाउड किया है, लेकिन जिम वाले बहुत सारी फैसिलिटी हमें दे रहे हैं। इवन ये हमें जिम में किट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिन लोगों के पास किट नहीं है हमें स्पेशल सैनिटाइजर वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है जिम में, मास्क वगैरह, हमें पर्सनल ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है तो हमें आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेन हमें वर्कआउट भी करना ज़रूरी है बॉडी के लिए। आज जब यहाँ पे इतने टाइम बाद जब लॉकडाउन के बाद यहाँ पे जिम खुला है तो आज फिर फर्स्ट डे हम यहाँ पे आए। कैसा फील कर रहे हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज उस टाइम पे वर्कआउट था तो एक फिटनेस एक मेंटेन हो रही थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन इस बीच में यहाँ पे एक तो वायरस से हमें फाइट करनी है, दूसरा वी हैड टू फाइट विद आर शेड्यूल, आर वर्कआउट शेड्यूल, आर ईटिंग हैबिट्स। तो वो जो पूरा डिसिप्लिन बना हुआ था जिम में वो सब बीच में ब्रेक हो सकता था, बट यहाँ से कॉन्स्टेंट हेल्प मिलती रही तो वो मेंटेन रहा। पर फिर भी जिम जिम होता है, तो आज बहुत टाइम के बाद जब जिम खुला है तो डेफिनेटली वी आर फीलिंग अ लॉट बेटर।